हिंदुओं में बहुत से व्रत त्योहार मनाए जाते हैं और सभी के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है। कुछ त्योहार पूरे देश में मनाए जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में। इन्हीं में से एक बहुत ही पॉपुलर त्योहार है छठ पूजा। इसे कई जगह सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में इसे मनाया जाता है। दिवाली के 3 दिन बाद यानी 4th day शुरू होने वाला छठ का त्योहार 4 दिन तक चलता है। इस दिन षष्ठी देवी की पूजा की जाती है और क्योंकि ये व्रत हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी 6th day को मनाया जाता है, इसीलिए इसे छठ कहते हैं। 36 घंटे तक बिना कुछ भी खाए और बिना पानी पिए ये व्रत रखा जाता है। यही एक लौता ऐसा त्योहार है जिसमें सनराइज और सनसेट दोनों ही समय सूर्य की पूजा की जाती है। अर्थ पर लाइफ को बनाए रखने के लिए और उसकी रोशनी के लिए सूर्य भगवान को थैंक्स कहा जाता है। छठ बच्चों और परिवार की वेलबींग और प्रॉस्पेरिटी के लिए किया जाता है। स्वागत है आपका इस चैनल में और आज हम जानते हैं कि इंडिया के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल छठ पूजा के बारे में। ये व्रत कब से शुरू हुआ इसके बारे में कहीं भी पूरी तौर से कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कई कथा कहानियां हैं। शॉर्ट में इनमें से कुछ के बारे में बता रहा हूँ। ये तो सभी जानते हैं कि राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और इस दौरान राम ने रावण को मारा था। रावण वध के पाप से मुक्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने उन्हें रात सूर्य यज्ञ करने को कहा। पूजा के लिए मुग्धल ऋषि को बुलाया गया। उन्होंने सीता जी को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 6th day को सूर्य देव की उपासना करने को कहा। सीता ने मुग्धल ऋषि के आश्रम में रहकर ये व्रत किया और सूर्य भगवान की पूजा की। एक और कथा महाभारत से जुड़ी है। अपना सब कुछ जुए में दुर्योधन और कौरवों को हार जाने के बाद द्रौपदी ने धौम्य ऋषि के कहने पर पांडवों की अच्छी सेहत और सुख समृद्धि के लिए छठ का व्रत किया और सूर्य भगवान की पूजा की। उसके बाद पांडवों ने अपना सब राजपाट लड़ाई के बाद वापस जीत लिया। महाभारत से ही कर्ण भी जुड़े हैं। कर्ण सूर्य भगवान के बेटे थे और बहुत ही दानवीर और शक्तिशाली थे। वे बहुत बड़े सूर्य भक्त भी थे। हर रोज नदी के पानी में खड़े रहकर कर्ण सूर्य की पूजा करते थे और अर्घ्य देते थे। कहते हैं कि वहीं से सूर्य को अर्घ्य देने की शुरुआत हुई। आपको पता है कि इंद्र देवता ने कर्ण से उनके शरीर से जुड़े कवच और कुंडल तभी मांगे थे जब वो सूर्य की पूजा कर रहे थे, क्योंकि इंद्र को पता था कि सूर्य पूजा के बाद अगर कोई कर्ण से कुछ मांगता है तो कर्ण कभी मना नहीं करते। इस व्रत से जुड़ी तीसरी और सबसे पॉपुलर कहानी है राजा प्रियवंद की। सब कुछ होते हुए भी राजा के बच्चे नहीं थे और इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। राजा ने बेटा पाने के लिए यज्ञ करने की सोची। इस यज्ञ के लिए ऋषि कश्यप आए। उन्होंने रानी मालिनी को आहुति के लिए बनाई हुई खीर खाने को दी। कुछ समय बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, पर वो बेटा मरा हुआ पैदा हुआ। उसकी डेड बॉडी को लेकर जब राजा शमशान घाट पहुंचे तो बहुत दुखी थे और उन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की। उसी समय एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वो ब्रह्मा जी की बेटी षष्ठी है और वो पूरी दुनिया के बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। उन्होंने राजा से उनकी पूजा करने को कहा। राजा और रानी ने उनकी पूजा की और कुछ समय बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है। हर दिन की पूजा का एक अलग प्रोसेस है, सब डिटेल में बताता हूँ। पहले दिन को बोलते हैं नहाए खाए, मतलब नहाना और खाना। शुरुआत होती है घर की सफाई से। पूरे घर की अच्छे से सफाई की जाती है। फिर नहाने के बाद प्योर वेजिटेरियन खाना बनाया जाता है। अक्सर इसमें घिया, चने की दाल और चावल बनाए जाते हैं। गार्लिक और अनियन यूज नहीं किया जाता। व्रती यानी कि जो व्रत कर रहा है वो सबसे पहले खाना खाता है, उसके बाद ही घर के बाकी लोग खाना करते हैं। दूसरे दिन को कहते हैं खरना। इसी दिन व्रती पूरा दिन व्रत करते हैं। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर और रोटी बनाई जाती है। इसमें चीनी और नमक का यूज नहीं करते। शाम को इस खाने के बाद 36 घंटे का डिफिकल्ट फास्ट शुरू होता है। तीसरे दिन मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाया जाता है। चावल के लड्डू के साथ साथ एक स्पेशल मिठाई भी बनती है जिसे ठेकुआ कहते हैं। ये गेहूं के आटे यानी व्हीट फ्लावर
जैगरी और देसी घी से बनता है। दिन भर फास्ट के बाद शाम में बहुत से फ्रूट्स, स्पाइसेस, मिठाइयाँ, सिंदूर, नारियल जैसे बहुत सी पूजा की चीजों के साथ सब लोग मिलकर नदी के पर जाते हैं पूजा के लिए। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। घर आकर भी पूजा होती है, लेकिन व्रत अभी भी चलता रहता है बिना खाना और पानी। फोर्थ डे सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देकर व्रत पूरा होता है। अदरक, गुड़ और प्रसाद के साथ व्रत खोलते हैं। छठ के बारे में पढ़ते वक्त मुझे कुछ मजेदार से फैक्ट्स मिले। छठ पूजा में फ्रूट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सबसे ज्यादा होती है गन्ना यानी शुगर केन की। बिना इसके पूजा नहीं की जाती। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला तो ये कि छठी देवी को गन्ना बहुत पसंद था। कहते हैं कि इस व्रत में नई फसल का प्रसाद चढ़ाते हैं और गन्ने की नई क्रॉप इसी समय ही आती है। ये भी कहा जाता है कि गन्ना ही एक ऐसा फ्रूट होता है जिसे इंसेक्ट्स और बर्ड नहीं खा सकते और इसीलिए ये सबसे प्योर होता है। छठ पूजा में बहुत से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। व्रत करने वाला जब खाना खा रहा होता है तो सब लोग क्वाइट रहते हैं और शोर होने पर व्रती खाना बंद कर देता है। इस व्रत में होने वाली पूजा सिर्फ मैरिड लेडीज ही कर सकती हैं। व्रती बेड पर नहीं सोता। मैरिड वुमेन खुद का बनाया हुआ खाना नहीं खा सकती। स्टिच क्लोथ्स नहीं पहनती। सफाई का बहुत ही खास ख्याल रखा जाता है और ठेकुआ जरूर बनता है। अक्सर हमारी रीति रिवाजों के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी मिलते हैं। छठ पूजा के भी साइंटिफिकली बहुत से फायदे बताए जाते हैं। इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन तक बिना खाए पिए रहने से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस बॉडी से निकल जाने से बॉडी इंटरनली आने वाले विंटर सीजन के लिए तैयार हो जाती है। सूर्य पूजा के चलते बॉडी को विटामिन डी मिलता है और साथ ही साथ बॉडी में सोलर एनर्जी का फ्लो भी बढ़ता है। छठ से जुड़ी एक और स्पेशल बात बताता हूँ। छठ में प्रसाद मांग कर खाना बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से सूर्य भगवान और छठी देवी के लिए आस्था दिखती है। मांग कर खाने से ईगो, प्राइड और एरोगेंस जैसी फीलिंग्स खत्म होती है। अगर कोई स्पेशल रिचुअल्स मैंने मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना टू रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोज़।